दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत कई बार बाहरी शक्तियों का गुलाम बन चुका है, लेकिन अगर किसी बाहरी शक्ति ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है या कहें लूटा है, तो निश्चित तौर पर अंग्रेज ही है। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनके लिए भारत पर राज करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भारत के एक विशाल हिस्से पर मुगलों का राज हुआ करता था, और मुगल उस दौर में कितने शक्तिशाली थे इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी अफगान से लेकर मराठा और राजपूत तक उन्हें हरा नहीं पाए। लेकिन उसी दौर में जब अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने मुगलों को भी अपना निशाना बना ही लिया, जिसके पीछे उनकी एक अच्छी खासी रणनीति भी थी, जो उस समय इतनी नई और प्रभावी साबित हुई कि कुछ दशकों के संघर्ष में मुगलों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आखिर अंग्रेजों की वो रणनीति क्या थी और मुगलों की वो कौन सी कमजोर नस थी जिसे पकड़कर अंग्रेज मुगलों से जीत गए, आज के वीडियो में हम आपको यही सब तो बताने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये वक्त था 16वीं सदी के आखिरी साल का, और उस वक्त भारत इतना संपन्न था कि दुनिया का उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा तो भारत से ही पैदा होता था, और कहीं ना कहीं ये कारण था कि पूरी दुनिया भारत को बड़े गौर से देख रही थी। उस वक्त ही भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर अकबर महान का शासन हुआ करता था, और कहा यह भी जाता था कि अकबर अपने दौर में सबसे दौलतमंद बादशाह हुआ करते थे। लेकिन उसी दौर में अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में गृह युद्ध का माहौल चल रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन के दौरान ब्रिटेन की मुख्य इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती थी, लेकिन युद्ध और बर्बादी के दौरान इस वक्त ब्रिटेन दुनिया के उत्पादन का कुल 3-4% उत्पादन कर पा रहा था। उसी दौर में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पावर स्ट्रगल में काफी पीछे छोड़ चुके थे, और माहौल ये था कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाली जहाज को लूट कर किसी तरह अपना काम चलाकर खुश हो जाया करते थे। उसी समय में एक ब्रिटिश नाविक को दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा के दौरान भारत की समृद्धि के विषय में पता चला। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में 200 ब्रिटिश व्यापारी एक नई कंपनी बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को महारानी का भी सपोर्ट हासिल हो जाता है। अब बात भारत की करें, अब तक अकबर मर गया था, जहांगीर को नया मुगलिया बादशाह बना दिया जाता है, और इसी के साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी के व्यापारी जहाज के साथ आते हैं। वो भारत में एक नई कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की घोषणा करते हैं। अपने इसी व्यापारिक चोले को पहने हुए कैप्टन हॉकिंस और उनके साथ थॉमस रोब जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और वो जहांगीर को अपने खूबसूरत और महंगे उपहारों और फायदेमंद व्यापारी समझौते का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन उस वक्त डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर पहले तो ये प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज लगातार इसमें कुछ और बेहतर डील जोड़ते हुए बादशाह को लगातार प्रस्ताव भेजते रहते हैं, और एक वक्त बाद जहांगीर अपने व्यापार करने की रॉयल परमिशन दे देते हैं। सूरत, मुंबई, पटना, मद्रास जैसी जगहों पर इसके बाद अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में व्यस्त हो जाते हैं। इन फैक्ट्रियों ने लगभग सबको आकर्षित करना शुरू कर दिया था। कई भारतीय व्यापारियों ने भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को फैलता हुआ देखकर अंग्रेजों का लालच और बढ़ जाता है, और वो सत्ता को हथियाने के लिए मुगलों के खिलाफ 1686 में एक जंग छेड़ देते हैं, जिसमें उन्हें मुगलों से करारी हार का सामना करना पड़ता है, और शायद यही हार थी कि अंग्रेजों का दिमाग खुल गया। उन्हें अब नई तकनीक पर काम करना था, जो कि था फूट डालो और राज करो। इस युद्ध के बाद उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी और आगे ऐसी कोई हरकत न करने का वायदा भी किया। दरबार से उन्हें कुछ जुर्माना लगाकर वापस से व्यापार करने के लिए छूट दिया गया, और यही माफी मुगलों के खात्मे की एक बड़ी वजह बनती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत ने मुगलों को अपने से ही लड़ाना शुरू कर दिया। कई लोग सल्तनत के बादशाह बनने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई और संघर्ष के दौरान कई कमजोर शासक बादशाह बनकर मुगलों की ही शक्ति को कम करने लगते हैं, और यहीं पर अंग्रेजों को अपने लिए एक मौका दिखाई देता है। 1717 में मुगल बादशाह एक बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। अंग्रेजों को वो एक फरमान में महज कुछ रकम की एनुअल फीस में साल भर
बिना लगान या कर चुकाए व्यापार करने का आदेश दे देते हैं। इसी दौरान पर्शिया का बादशाह भारत पर आक्रमण करता है और यह आक्रमण इतना अचानक होता है कि पर्शियन सेना बड़ी आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाती है। जब स्थिति कठिन हो जाती है तो मुगल बादशाह ने 17 करोड़ रुपए, कई महंगे स्टोन और एक पिकॉक स्टोन देकर किसी तरह से दिल्ली को बचा लेते हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल कमजोर पड़ जाते हैं। इसी बीच अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपने तख्त से हटाने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। चूंकि अंग्रेजों के लिए जंग कठिन होने वाली थी, इसलिए उन्होंने इसे जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज उन्हीं के सेनापति जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे उन्हें बंगाल का नवाब बना देते हैं। 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की एकल सेना को हरा देते हैं। निजाम और मराठों के साथ भी अंग्रेज अपनी ऐसी नीतियों का इस्तेमाल करके पहले उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देते और फिर उन्हीं की कमजोर हो चुकी सेना पर आक्रमण करके उस रियासत के सभी अधिकारों को अपने पास सुरक्षित कर लेते। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में खुद को सिर्फ कृषि तक ही नहीं रोका, वो काफी बड़े हिस्से के व्यापार और जमीन के इस्तेमाल पर लगने वाले टैक्स से भी कमाई करके अमीर बनते रहे। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय जमींदारों को अपना खास बना लिया। एजुकेशन पॉलिसी के कारण भी देश के कई समाज सुधारक अंग्रेजों से काफी प्रभावित हो चुके थे जो अंग्रेजों का साथ देने लगे। यही कारण था कि 1857 की क्रांति के दौरान भी अंग्रेजों को बहुत ही जमींदारों और एलीट लोगों का साथ प्राप्त हुआ जो आगे चलकर अंग्रेजों की जीत की वजह भी बनी। इस क्रांति में जीत के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज देते हैं और उनके सभी बेटों को बड़ी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतरवा देते हैं। इस तरह से मुगल और मुगल साम्राज्य दोनों का अंत हो जाता है। मुगलों के खात्मे के बारे में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अंग्रेजों को अगर इस पूरी कहानी में देखें तो वे इतनी दूर से आए थे और उनके लिए इस देश की परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थी। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से असम में साम, दाम, दंड और भेद का इस्तेमाल करते हुए मुगल बादशाहों और उनकी रियासत के राजाओं को पराजित किया, वो उनकी गहरी कूटनीति और व्यापारिक सूझबूझ को दिखाती है। आपकी मुगलों के हार के बारे में क्या राय है?